आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के आज सुबह के सभी मुख्य समाचार, ताजा समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज को। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी एक लाइक जरूर कर दें। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को झटका, 66 प्रोजेक्ट के 64,911 आवास होंगे निरस्त। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में होगा बड़ा बदलाव, हटाए जाएंगे 80 से ज्यादा PCS, इन विभागों में भी होगी नई तैनाती। योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ, किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों के लिए CM धामी से की यह मांग। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दावा, देश में ऐसा कोई CM नहीं जिसकी तुलना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हो सके। नंबर प्लेट से जुड़ा नियम में होगा बदलाव, अब 10,000 का होगा चालान, जाने नया नियम। बलिया में एक सप्ताह में 100 से ज्यादा लोग चल बसे, डिप्टी CM के एक्शन के बाद जांच को पहुंची टीम, रिपोर्ट का है इंतजार। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 27 जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त, 5 बिंदुओं पर देंगे रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मेरठ में फिर चोरों का धावार, रैपिड रेल का सामान चोरी, 168 बेस प्लेट और 4 कास्ट क्यूब गायब। उत्तर प्रदेश में रंग बिरंगे पंछियों और घड़ियालों से गुलजार, चंबल सेंचुरी जल्द ही बनेगी डॉल्फिन सफारी, DFO ने शासन को भेजा प्रस्ताव। मैं मुस्लिम हूँ, शादी करनी है तो इस्लाम कबूल करो, धर्म परिवर्तन से किया इनकार तो युवती को छोड़ भागा प्रेमी। उत्तर प्रदेश में हिंदू महासभा की मांग, आदि पुरुष को बैन किया जाए या हिंदुओं का अपमान करने वाली दी गई है तहरीर। उत्तर प्रदेश में NDA का मुकाबला करेगी PDA, अखिलेश बोले 2024 में भाजपा से अपमान का बदला लेगी समाजवादी पार्टी। यूपी का बाहुबली समोसा, वजन 12 किलो 30 मिनट में खाएगी और 71,000 रुपए का इनाम ले जाएगी। उत्तर प्रदेश में केदारनाथ गर्भगृह में सोने की जगह पीतल की परतों पर गरमाई सियासत, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी उठाए सवाल। मनोहर सिंह सरकार चलाता था गांधी परिवार, कांग्रेस पर बरसे केशव मौर्य, अखिलेश के PDA गठबंधन पर भी साधा निशाना। गीता प्रेस को मिला 2021 का गांधी शांति पुरस्कार, PM मोदी की अध्यक्षता में हुआ फैसला, CM योगी ने दी बधाई। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ धाम में 1,000 लोग करेंगे योग, DM ने अधिकारियों से प्लान बनाने को कहा। 104 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सीताराम शास्त्री का निधन, कुछ दिन पहले जाहिर की थी अंतिम इच्छा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को कांग्रेस की तैयारियों पर सलमान खुर्शीद बोली, जल्द होगी विपक्षी दलों की बैठक। उत्तर प्रदेश में पावर कॉरपोरेशन की चूक से UP में बिजली को लेकर मचा हाहाकार, अगस्त में और खराब हो सकती है हालात। UK पर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर, बोले भारत का अपमान करने वालों पर आता है गुस्सा। आयुष्मान कार्ड नहीं है तो बनवा लो, अगली बार राशन नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में शिवपाल का फ्यूचर पॉलिटिक्स प्लान, आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के दिए संकेत, BJP पर भी बोला हमला। मणिपुर में नहीं थम रहा बवाल, भाजपा नेताओं के घर पर भीड़ का हमला जारी। चलिए एक एक करके जो बड़ी खबरें हैं उनको जानते हैं विस्तार से। इसलिए इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दी और कमेंट में अपने जिले गांव का नाम जरूर बताए। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को झटका, 66 प्रोजेक्ट के 64,911 आवास होंगे निरस्त। जी हां, यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को तगड़ा झटका लगा है। PM आवास योजना की 66 परियोजनाओं के 64,911 आवास को निरस्त किया जाएगा। इन मकानों का निर्माण नहीं होगा, अभी इनका आवंटन भी नहीं हुआ है। कई आवासों के लिए लाभार्थियों नहीं मिल रहे हैं तो कहीं जमीन संबंधी विवाद सामने आ गई है, इसके चलते यह फैसला लिया गया है। वहीं आपको बता दें तो आवास विकास परिषद सहित प्रदेश के अन्य सभी विकास प्राधिकरणों ने इस संबंध में आवास बंधु को अपनी रिपोर्ट भेज दी। UP के ब्यूरोक्रेसी में होगा बड़ा बदलाव, हटाए जाएंगे 80 से ज्यादा PCS, इन विभागों में भी होगी तैनाती। जी हां, यूपी में ब्यूरोक्रेसी में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि इसी महीने बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इसके मुख्य वजह 4 अधिकारी डॉक्टर प्रशांत त्रिवेदी, संजय आर भूसरेड्डी, आलोक कुमार प्रथम व आनंद कुमार का रिटायर होना, साथ ही PCS अधिकारियों में उदय सिंह, दिवाकर सिंह, अभय कुमार मिश्रा व देवी दयाल को भी इसी माह सेवानिवृत्त होना है। बता दें कि इनके स्थानों पर नई तैनाती के साथ ही खराब काम करने वाले 1 दर्जन से अधिक DM और एक जिले में 3 साल से अधिक समय से जमे करीब 80 PSC अधिकारियों को इधर से उधर किया जाना तय है।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ पर किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों के लिए सीएम धामी से की यह मांग। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को चलना चाहिए, यह मांग भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने की है। कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी सरकार किसानों को फ्री बिजली उपलब्ध करा रही है। कहा कि सरकार को अन्नदाता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यूपी की तर्ज पर भाजपा की उत्तराखंड सरकार ही किसानों को बिजली दे ताकि किसानों को लाभ मिल सके। उत्तराखंड में चीनी मिलों पर किसानों का गन्ने का करोड़ों रुपए बकाया है, किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान तत्काल किया जाए। वहीं उन्होंने मांग की है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और एमएसपी कानून लागू किया जाए। इन मुद्दों को लेकर चिंतन शिविर में किसान चर्चा कर रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दावा, देश में ऐसा कोई सीएम नहीं जिसकी तुलना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हो सके। जी हां, बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब यूपी में कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता, गुंडे माफिया जेल में है। देश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिससे सीएम योगी की तुलना की जा सके। कृषि मंत्री तोमर ने लालगंज में कहा कि जब योगी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई तो लोग कह रहे थे कि वह संत है, देश को नहीं संभाल पाएंगे। आज योगी की कार्यकुशलता से उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। नंबर प्लेट को लेकर हुआ बड़ा बदलाव, 10,000 का होगा चालान, जाने नया नियम। जी हां, बता दें कि आज के समय में कई लोग अपनी गाड़ी पर भी नंबर प्लेट पर अपना पद, नाम, जाति, धर्म या कुछ और लिखा कर लेते हैं। ट्रैफिक पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन ले रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे नंबर प्लेट जिन पर नंबरों के अलावा कुछ अन्य चीजें लिखी हुई है उन पर कार्यवाही करना प्रारंभ कर दी है। बता दें कि यह नियम निजी और सरकारी दोनों वाहनों पर लागू होता है। हालांकि इनके पश्चात भी जनप्रतिनिधि और आम लोग अपने निजी वाहनों पर नंबर प्लेट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम, जाति या पद की प्लेट लगा कर घूम रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें तो ऐसे वाहन जिनकी नंबर प्लेट पर जाति या पद का नाम लिखा है या फिर किसी भी प्रकार का नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की गई हो, तो ऐसे चालकों पर चालान का नियम, पहली बार ऐसा करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। यदि इसके बाद भी नंबर प्लेट में परिवर्तन नहीं करवाया जाता है, यानी पद या जाति सूचक शब्द नंबर प्लेट पर लगाए रहते हैं, तो दूसरी बार भी 10,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 27 जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त, 5 बिंदुओं पर देंगे रिपोर्ट। जी हां, उत्तर प्रदेश में बेपट्टी हुई बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए नई रणनीति अपनाई गई है। ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव, कॉर्पोरेशन प्रबंधन निदेशक सहित आला अफसर फील्ड में उतर गए हैं, तो मंडल मुख्यालय सहित 27 जिलों में नोडल अधिकारी तैनात कर दिया गया है। ये अधिकारी विद्युत व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए जिले में की जा रही व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। वहीं बिजली आपूर्ति की स्थिति को लेकर स्टोर में उपलब्ध सामग्री सहित 5 बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। उत्तर प्रदेश में रंग बिरंगे पंछियों और घड़ियालों से गुलजार चंबल सेंचुरी, जल्द ही बनेगी डॉल्फिन सफारी, डीएफओ ने शासन को भेजा प्रस्ताव। जी हां, रंग बिरंगे पंछियों और घड़ियालों से गुलजार चंबल सेंचुरी अब जल्द ही डॉल्फिन सेंचुरी के नाम से भी प्रख्यात होगी। चंबल वाइल्ड लाइफ की डीएफओ आरुषि मिश्रा ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। इटावा के सासु क्षेत्र का उन्होंने चयन किया है, जहां बड़ी संख्या में डॉल्फिन पाई जाती है। उन्होंने भारत सरकार को प्रेजेंटेशन भी दी है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार का डॉल्फिन के संरक्षण पर जोर है और साल 1979 में घोषित हुए राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य 635 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश तीन राज्यों को जोड़ता है। इसमें से साल 2008 से घड़ियालों की प्राकृतिक हैचिंग हो रही है, परिणाम स्वरूप 2176 घड़ियाल की संख्या पहुँच गई है। हिंदू महासभा की मांग, आदि पुरुष को बैन किया जाए या हिंदुओं का अपमान करने वाली दी है तहरीर। जी हां, फिल्म आदि पुरुष के संवाद और प्रस्तुतिकरण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर हो रही आलोचना के बाद अब इसे बैन करने की मांग की जा रही है। बताने के इसी क्रम में हिंदू महासभा ने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में फिल्म के निर्माता, निर्देशक व कलाकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। हिंदू महासभा का कहना है कि फिल्म में भगवान श्री राम का, माता सीता का, हनुमान जी का अपमान किया गया है। ऐसे लगता है जैसे फिल्म सनातन धर्म का अपमान करने के उद्देश्य से ही बनाई गई है। मामले में तहरीर देकर फिल्म के कलाकारों, निर्माताओं, निर्देशक सहित सभी के लिए मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई है।
केदारनाथ गर्भगृह में सोने की जगह पीतल की परतों पर गरमाई, सियासत सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी उठाए सवाल। यहां केदारनाथ धाम के गर्भगृह में लगी सोने की परत को लेकर सियासत और तेज हो गई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मामले में उंगली उठाई है। केदारनाथ के गर्भगृह में सोने की जगह पीतल की परत लगाने को कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। उन्होंने इसे आपराधिक मामला बताया है, कहा है कि यह आस्था से खिलवाड़ है। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ धाम में 1000 लोग करेंगे योग, डीएम ने अधिकारियों से प्लान बनाने को कहा। जी हां, बता दें कि इस वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी तेज हो गई है। आज राइफल क्लब सभागार में जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बैठक कर अधिकारियों को लक्ष्य बनाकर माइक्रो प्लान प्रस्तुत करने को कहा। साथ ही जानकारी दी कि मुख्य कार्यक्रम श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित होगा, जिसमें 1000 से अधिक लोग एक साथ योगाभ्यास करेंगे। आयुष्मान कार्ड नहीं है तो बनवा लो, अगली बार राशन नहीं मिलेगा। जी हां, आपको बताने कि अगली बार तक परिवार के सभी सदस्यों का आयुष्मान कार्ड भी बनवा लेना, वरना राशन नहीं मिलेगा। आजकल प्रत्येक राशन कार्ड धारक से जिले के राशन दुकानदार यही कह रहे हैं। दरअसल विभागीय अधिकारियों की ओर से सभी राशन दुकानदारों को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं कि वे उपभोक्ताओं को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित करें। तो दोस्तों, जिले के सभी विकास खंडों में कुल 879 सरकारी राशन की दुकानें हैं। इन सभी दुकानों पर जून के महीने का राशन बांटा जा रहा है। इस बीच यह जानकारी भी दी जा रही है कि अपना अगली बार से आयुष्मान कार्ड बनवा लें, वरना राशन नहीं मिलेगा। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। रोज के ताजा अपडेट के लिए यूपी खबर जानकारी को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।